दोस्तों ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का फोटो को सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे एक नंबर वाला जो आप फोटोज देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है बैकग्राउंड इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बैकग्राउंड। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें डबल कलर वाला बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि आप किसी भी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी बैकग्राउंड को इस तरीके का फोटो में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ ऐसा वीडियो का तलाश था जिसमें कि ये चारों ऑप्शन एक ही जगह पे बहुत ही आसान तरीका से बताया जाए तो फिर आप सही वीडियोस पर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे आप प्रोफेशनल तरीका से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक फोटो है, इस फोटो का सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करना है। दोस्तों बैकग्राउंड रिमूव करने से पहले सबसे पहले आपको विंडो में क्लिक करना है और यहाँ से आपको लेयर पैनल को अपेंड कर लेना है और ये लेयर पैनल को इस प्रकार से साइड में कर लेना है। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड रिमूव होगा वो किस प्रकार से होगा मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे लेयर में आप देख सकते हो यहाँ पर ये ताला लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को कैसे अनलॉक करेंगे ये हम आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से आपका ये अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड को रिमूव करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका बताता हूँ। टूल्स बार में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉलीगोनल लेजो टूल का, इस लेजो टूल को आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऊपर में एक फेदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 2 पिक्सल का फेदर ले लेना है। चलिए उसके बाद अब हम बताते हैं कि कैसे आप इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉलीगोनल लेजो टूल है इसको इस प्रकार से साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको साइड साइड में जो आप सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के जो साइड होता है इन साइड में इस प्रकार से क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करते जाएंगे यहाँ पे क्लिक इतना हो गया और इसको क्लिक करके साइड में आएंगे और यहाँ पर इस दोनों छोर को मिला देंगे, यहाँ पे ये सिलेक्शन बन जाएगा। उसके बाद अपने कीबोर्ड में आपको डिलीट बटन को प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो कुछ इसी प्रकार से इस फोटो का बैकग्राउंड को मैं फटाफट से रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनका जो साइड में है उन सभी को मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर चुका हूँ और बाकी जो ये एरिया बचा हुआ है उसको सिंपली इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और साइड एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ पे दोनों छोर को मिला लेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे, कुछ इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर के साइड में भी हम इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे जो कि ये सिलेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोनों छोर को मिलाएंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड हमारा बहुत ही आसानी से रिमूव हो गया है। अब इसके अंदर कोई भी हमें कलर ऐड करना है या कोई भी बैकग्राउंड ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कलर अगर मुझे ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेयर बार आप देख सकते हो, लेयर के नीचे आप एक एडजस्टमेंट का एक लेयर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सॉलिड कलर। तो अगर आपको सॉलिड सिंगल कलर ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई भी एक कलर आपको यहाँ पे पकड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ से ओके करना है और यहाँ पे लेयर में देखेंगे कि नीचे जो है आपका जो फोटो वाला लेयर है वो नीचे है और ऊपर में ये कलर वाला लेयर है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो फोटो वाला लेयर है इसको हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ये जो बैकग्राउंड है वो नीचे चला गया है और ये जो फोटो है ये आपका ऊपर आ गया है, ठीक है। और जैसे कि अगर मुझे ये बैकग्राउंड का कलर हमने डाल तो दिया लेकिन अभी इसको मुझे चेंज करना है तो ये इस थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे इस कलर वाले पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कलर पिकर आपका ऑन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी दूसरा कलर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया सॉलिड कलर के बारे में। अभी हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर अब आप ग्रेडियंट कलर कैसे ऐड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लूंगा और डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से नीचे बॉक्स वाला एक ऑप्शन मिलेगा, डिलीट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट, ये आपका लेयर डिलीट हो जाएगा। अब आपको ग्रेडियंट कलर ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट का कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट किया और इसका यहाँ से कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। ब्लैक को यहाँ पर क्लिक किया, नीचे में कलर आ गया, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ओके और इधर के साइड में भी कोई भी कलर ले लेना है, व्हाइट कलर पे क्लिक किया और नीचे कलर का ऑप्शन मिल गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक कलर मैं ले लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ इस प्रकार वाला कलर मैंने ले लिया, उसके बाद ओके, यहाँ से भी ओके, इधर से भी ओके।
तो ये वाला जो लेयर है इसे एक बार फिर से मैं ऊपर कर लूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से चेंज हो गया है। ये तो हो गया कि बैकग्राउंड चेंज करने के बाद कलर कैसे ऐड करेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि कोई भी बैकग्राउंड आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट कलर है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो कोई भी बैकग्राउंड फोटो को इसके बैकग्राउंड में ऐड करने के लिए उस बैकग्राउंड वाले फोटो को अपने फोटोशॉप में ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड है, उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को हमें इसके पीछे लगाने के लिए इस बैकग्राउंड को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के लिए कंट्रोल ए कंट्रोल सी प्रेस करना है और जाना है मुझे इस ट्रांसपेरेंट वाले फोटोज में। उसके बाद कंट्रोल बी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में ये बैकग्राउंड आ चुका है। सबसे पहले कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, शिफ्ट को प्रेस करके कुछ इस प्रकार से बड़ा करेंगे तो ये फोटो आपका बड़ा हो जाएगा। जब ये बड़ा हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे नीचे लेयर में देखेंगे कि यहाँ पे ये जो फोटोज है फिर से इसे आपको ऊपर करना पड़ेगा। जैसे ही ऊपर करेंगे देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अगर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली फाइल में क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन चूज करेंगे कहाँ पर किस ड्राइव पर आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट में JPG सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।